राहु 12वें घर में। हमारी राहु की यात्रा अब पहले घर से चलते चलते फाइनली 12वें घर तक पहुंच चुकी है। भाई बर्थ चार्ट में 12वां घर होता है खर्चों का, 12वां घर होता है अचानक से हो जाने वाली हॉस्पिटलाइजेशन का। अब राहु यहाँ पे जब आएंगे किस तरह से खर्चों को प्रभावित करेंगे, सेहत को किस तरह से प्रभावित करेंगे, आज सारी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि अगर ये राहु आपको खराबियां दे रहे हैं उसके उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। देखिए राहु यहाँ पे नतीजे किस तरह के देंगे, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दरअसल 12वें घर में ऊर्जा होती किन ग्रहों की है। हमने अभी तक यही जाना है कि राहु जिस भी घर में हो उस ग्रह की ऊर्जा के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो 12वां घर जो है ये तो है ही राहु की अपनी ऊर्जा का घर। इसके साथ साथ यहाँ पे राहु के साथ साथ जुपिटर यानी बृहस्पति की भी ऊर्जा होती है। अब जुपिटर का रंग पीला, राहु का रंग नीला, पीला और नीला मिलके बनाते हैं हरा रंग। हरा क्या बनता है? बुध। यानी यहाँ पे राहु तभी अच्छे होंगे जब बर्थ चार्ट में बुध यानी मर्क्यूरी अच्छे होंगे। बुध जब भी अच्छे होंगे ये राहु इंसान को क्रिएटिव बहुत बनाएंगे। ये इंसान इतना आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा कि अपनी क्रिएटिविटी से ही समाज में अपनी एक अलग सी पहचान बनाएगा। उसी क्रिएटिविटी के कारण ये जिस भी काम में होगा उस काम में ही अपना जो झंडा है ना वो बुलंद कर देगा। आपने कई टीवी एड्स ऐसी देखी होंगी जो इतनी क्रिएटिव होती हैं कि केवल उस एड की वजह से ही वो प्रोडक्ट जो है छप्पर फाड़ के बिकता है। ये इस राहु 12वें की निशानी होती है कि ये लोग आउट ऑफ बॉक्स ऐसा सोच लेते हैं कि दुनिया बरबस ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। ये किराने के काम में हो, होटल के काम में हो, ये क्रिएटिव एड्स के काम में हो, या ऑफिस में क्लरिकल काम में भी हो, ये कुछ भी कर रहे हो, ये अपने काम में हमेशा कुछ ना कुछ अलग क्रिएटिव बहुत बढ़िया रखेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, बुध अच्छा है, ये उस राहु को बहुत ही ज़्यादा बुद्धि को जो है अलग से यूज़ करना सिखा रहा है। खाली क्रिएटिविटी इस राहु का नाम नहीं है, यहाँ पे राहु जो है इंसान को फॉरेन में सेटल करवाता है। यानी या तो ये अपना देश छोड़ के विदेश में सेटल हो जाते हैं, नहीं तो यहीं पे कारोबार ऐसा होता है इनका कि इनको विदेश से कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई लिंक बन जाता है जिसकी वजह से इनकी इनकम में विदेशी आय जो है, विदेशी इनकम जो है वो भी ऐड हो जाती है। मैंने अपने संबंधों में ही कई 12वें घर के राहु वाले लोग देखे हैं, या तो विदेश में सेटल हैं या वो यहाँ पे कोई इंटरनेट गेमिंग कोडिंग का ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनके ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो फॉरेन के हैं, जिससे उनको यहीं बैठे बैठे ही फॉरेन की इनकम भी हो रही है। तो ये तो राहु के कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो बुध के अच्छे होने की वजह से हैं। अब बुध बेटी भी होता है, अगर इनके बेटी या बेटियां हों और ये उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रहे हों तो बिलीव करिए अब इनकी किस्मत के दरवाजे एक के बाद एक खुलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि 12वें राहु हो और उनके बेटियां हों तो फिर तो क्या कहना, फिर ये जो राहु हैं इनको जीवन में वो बुलंदी देंगे जो पिछली कई पीढ़ियों में किसी ने नहीं देखी होती। तो ये तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं इस राहु की। अब अगर बुध सही ना हो या अदरवाइज भी कई और कारणों से भी ये राहु खराब हो रहे हों तो ये खराबियां किस तरह की होती हैं? सबसे पहले तो बुध के खराब होने की वजह से खराबियां क्या होती हैं। यहाँ पे राहु खराब होने पे सबसे पहले तो खर्चों को आउट ऑफ कंट्रोल कर देंगे। अब इनके जो खर्चे हैं ना इतने ज़्यादा होते चले जाएंगे कि इनको एकदम से पैसे का क्रंच फील होगा, एकदम से इनको जेबें खाली होती हुई महसूस होंगी। ये पैसा इलाज पे लग सकता है, ये पैसा एकदम से पैसे का लॉस हो सकता है, शेयर बाजार में पैसा डूब सकता है, क्योंकि तब ये लोग जो हैं इजी मनी की तरफ बहुत जाते हैं। तो लॉस ऑफ मनी तो होती होती है। ये जो राहु वाले लोग होते हैं ना ये नॉर्मली बाय नेचर लालची से भी बन जाते हैं, ये इजी मनी की तरफ भागते हैं, ये पैसे के मामले में उस तरह के कामों को प्रेफर करते हैं जिस काम में इनको इजी मनी आ जाए या एकदम से झट से पैसा लगा के पट से उनको फसल काटने के लिए मिल जाए। और इन केसेस में भी ये लोग ज़्यादातर अपने पैसे का लॉस करवा बैठते हैं। ये तो बात थी पैसों की। इसके अलावा गृहस्थी भी 12वें का राहु बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मियाँ बीबी के बीच में आर्गूमेंट्स, झगड़े, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कई बार थर्ड पर्सन को बीच में आना पड़ता है इनके बीच में पैचअप करवाने के लिए। मतलब रोज़ पंचायतें ही बैठी होती हैं इनके घर में अगर 12वें घर में राहु खराब हो जाएं और इनकी गृहस्थी पे किसी ना किसी तरह की हिट आ जाए तो।
बारहवां घर जो होता है ना, वो वास्तु में होता है साउथ ईस्ट का, यानी आपके घर के अग्निकोण का, यानी वो दिशा जो साउथ और ईस्ट के बीचों बीच में है। अगर आपको दिशाओं का पूरा ज्ञान नहीं है ना, तो मेरा वास्तु वाला वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है वो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में दिशाएं दरअसल एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं। तो घर का जो साउथ ईस्ट है ना, वो बारहवें घर से सीधा सीधा रिलेट करता है। अब साउथ ईस्ट में अगर राहु के एंटी कोई चीज़ आ गई, राहु से एंटी कौन सी चीज़ होती है, राहु के दुश्मन ग्रहों की चीज़ें, तो अब यहाँ पे राहु जो है एकदम से बिगड़ा हुआ हाथी बन जाएंगे, यानी गृहस्थी को और ज़्यादा खराब कर देंगे। तो राहु के खराब होने के तरीके तो कई हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होते हैं, खर्चों में बढ़ोतरी या गृहस्थी की खराबी। इसके अलावा ये राहु जो हैं सेहत को भी खराब करते हैं, नाभि कमर इससे नीचे के जो रोग हैं ये लगातार इन लोगों को आने शुरू हो जाते हैं, और स्पेशली ये रोग जो हैं जल्दी डायग्नोज भी नहीं होते, और उसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेहत की परेशानियाँ भी आती। अब राहु यहाँ पे खराब हैं तो प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, भाई बारहवां घर जो है ना आपके बेड का भी है, शैया का भी है, कई लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, बारहवें घर में राहु हो तो बेड पे बैठ के खाना कभी मत खाइए, इससे एकदम से आपके खर्चे जो हैं खराब होने शुरू हो जाएंगे, और इसके अलावा गृहस्थी में सेहत में भी खराबी आनी शुरू हो जाएंगी। अब उपाय क्या क्या करने चाहिए, सबसे पहले तो खाना रसोई में खाइए, किचन में चूल्हे के पास खड़े होकर खाना खाइए, फिर देखिए ये राहु किस तरह से अच्छे रिजल्ट देता है। ज़्यादा नहीं हो सके तो किसी एक समय का खाना जो है बर्नर के पास चूल्हे के पास खड़े होकर खाइए, इसको ज़्यादा नहीं डेढ़ दो महीने तक करके देखिए, आपको एकदम से बरकत आती हुई फील होगी। राहु को सही करने के लिए हम चंद्रमा या मंगल की मदद लेते हैं। खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हों, गृहस्थी खराब हो रही हो, इनकम के साधन प्रॉपर ना बन पा रहे हो, जो बनते हों उनसे आपके पूरी ना पड़ रही हो, तो क्या करना चाहिए आपको, मंगल की सहायता लें, यानी सौंफ जो मंगल की चीज़ है बेड साइड पे रखें, और इससे ये राहु जो है आपको अच्छे नतीजे देने शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जिन लेडीज़ को सेहत की खराबी ज़्यादा रह रही है, गायनेकोलॉजिकल ट्रबल आ रही है, और उनके राहु बारहवें में है, पैरों में चांदी की पायल पहने, चंद्रमा की मदद ली है हमने, पैरों में चांदी की पायल पहने, ये राहु आपके लिए एकदम से अच्छे नतीजे देने शुरू कर देंगे। और इसके अलावा जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आपके घर का अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट कोना जो है वो बारहवां घर होता है, तो साउथ ईस्ट में एक 0 वाट का रेड बल्ब जो 24 घंटे सातों दिन चलता रहे उसको लगा दीजिए। अब बारहवें घर के राहु जो है ना बुरे से अच्छे रिजल्ट पल में ही देने शुरू कर देंगे, और इसका डिफरेंस आप खुद देखेंगे। तो दोस्तों ये थी चर्चा राहु बारहवें घर में। मैं आशा करता हूँ कि राहु के इन सभी घरों के रिजल्ट जो हैं आपको खूब पसंद आए होंगे। तो चलिए राहु की सीरीज यहीं तक थी, आगे मिलते हैं किसी अन्य ग्रह के 12 घरों के विवरण को लेके, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।